good evening. साढ़े घर का नाम ये देखो पेपर पे छपा है। क्या कह रहा है? अरे अरे रुकिए। अरे गलत बोल गए हैं, छपा नहीं छपवाया है। क्या है सर, कहीं ऊपर का जो कमरा है ना किराए पे दे रहे हैं, चार पैसे आ जाएंगे। हाय नहीं मेरा मोटू, मेरे पास ना आठ पैसे का आइडिया है। अरे क्या ऊपर नीचे दोनों किराए पे दे दें? नहीं, पैरों पे घुंघरू बांध के ना सड़क पे नाचो ऐसे ऐसे, नाची कहीं के चार की जगह आठ पैसे आएंगे। क्यों दे रहे हो मेरा घर किराए पे? अरे महंगाई कितना है, ऊपर से 11 बच्चे, 15 भैंसिया, एक साली और ये। ये इतना सारा खर्चा के लिए एक्स्ट्रा पैसा चाहिए? बच्चा ले जे, उंगली करने वाला आदमी आ गया। आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना तुम। तो नहीं करेंगे, और वैसे भी हमसे यहाँ पर इस वक्त बात करने का जरूरत तुमने कैसे किया? भाभी इसको समझाओ, दोस्तों के साथ ऐसे बात करते हैं। सुनो जी, दोस्ती में ना थैंक यू होता है ना सॉरी, मैं तो कभी सीधा थप्पड़ मारो इसके मुंह को। तुम लोगों ने ना मेरे साथ प्रायो जैसा व्यवहार किया है, मेरे होते हुए तुम लोगों ने अखबार में घर को किराए पर देने का इश्तेहार दे दिया। ओ भाई ओ, तुमको जरा आइडिया है कि घर लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? बच्चा ये तेरी मेरी दोस्ती के बीच में पैसा कहां से आ गया? चंदू ये तुम्हारे हमारे बीच में दोस्ती कहां से आ गई? सही कहा। बच्चा पैसे का घमंड इतना अच्छा नहीं होता, पैसा मैं भी ला सकता हूँ। सिद्धू पाजी एक बार को यहाँ से किसी हीरोइन को शायरी सुनाए बिना जाने दे सकते हैं, कपू शर्मा हमें चाय पूछ सकते हैं, ये खूबसूरत लग सकती है। ये बात हम जरा फ्लो फ्लो में बोल दिए, कोई और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे रणवीर सिंह किसी और की शादी में डांस किए बिना वहां से जा सकते हैं, लेकिन ये आदमी पैसे ला सकता है, इस बात पे हम यकीन नहीं करेंगे। बस बच्चा बस, अब तुम्हारे शब्द मेरी सहनशीलता की मर्यादा को लांग रहे हैं। ये लाइन भी किसी से मांग के आया है, मांगे तर कहीं का। क्या? मैं चंदन उर्फ चंदूलाल वल्द गसीटा राम आज भरी महफिल में ये शब्द लेता हूँ कि जब तक मैं पैसे लाकर तुम्हारे मुंह पर नहीं मार देता और घर किराए पर नहीं ले लेता, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। ₹10 देना, वड़ा पाव खाना है। देखो भाई, तेरा भीख की तरह मांगोगे ना तो शायद हम दे भी दें। ये देखिए, आधा एटीट्यूड आधा भिखारी। हेलो यार, ये देखिए, आधा आदमी आधा हिप हॉप। आधा क्या? वही नहीं, वही क्या, बहुत मोटा है, मुंह में फंस गया है। अरे नहीं नहीं बताओ, मेरी बात सुनो। इधर आओ जी। सुनो जी, अगर वो कहीं पैसे ले आया तो? अरे वो कहां से पैसे लेके आएगा, और वैसे भी घर हम उसे देंगे जो हमारी शर्तें माने, डोंट वरी। तुम ना अंदर जाके जरा बच्चों का लंगोट बदलो, चलो। एक मिनट, कैसे बदलूं, उन्होंने कौन सा गिला किया है? तो जाके अपना शकल दिखा दो ना, डर के गीला कर देंगे। इधर आओ जी, मेरे से ना जरा तमीज से बात किया करो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको चेंज करना पड़े। आए बड़े, सब देखो मेरी बेइज्जती करते रहते हो। हमो का नाराज हो जाते हो बेबी, स्वीटी। जूती। देखो यार, ये तो नाराज है बेबी। ए स्वीटी, ए नानू। अरे रुक जाओ, अरे ना चली। बेबी स्वीटी, स्वीटी बोल रहा हूँ। ये तो साहब मैं आ गया। मैं आ गया। इससे पहले कि ये और कुछ कहे, इसके ऊपर मैं कुछ कह देता हूँ। कह दो। चेहरे पे मुस्कुराहट रोज देता, वाह। हंसते हंसाते जीवन की सोच रोज देता है, वाह। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है ये राजेश अरोड़ा,
जब भी आता है खुशियां ही खुशियां बिखेर देता है। गले मिलने को दिल कर रहा है, मिलने को नहीं, आपके पीछे बैठी लड़कियों से। कैसे देख रही है मुझे आके बाढ़ बाढ़ के, कैसे हैंडसम मर्द कभी देखा नहीं पहले से। दिलीप साहब आपको एक बात बताऊं? दो बता। बहुत रिच लग रहे हैं आप सिद्धू साहब, बोलो पाउट पाउट। सिद्धू साहब 0 पे आउट। सिद्धू साहब मैंने पेपर में ऐड देखा, इधर कमरा खाली है किराए पे, मैं आ गया। हाँ। आप सोच रहे होंगे मैं डोली में क्यों आया? क्यों? जो मैं चोली में आता आपकी हंसी निकल जाती। मैं अकेला नहीं आया सिद्धू साहब, दुल्हन भी आई। ओ, 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 क्या बात है, वो छा गया गुरु, छा गया अरोड़ा। यहाँ पे शर्मा रही है डोली में, मुझे इसने ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाए जैसे आप नहीं मुझे फॉरवर्ड करते पैसे वाले। शी इज वेरी नॉटी। ये अपनी विदाई के टाइम पे रो रही थी, मैं समझ गया ये कंफर्टेबल नहीं है। मैंने इसके बाप को कहा दूल्हे को जाने दो, मैं इसके साथ आता हूँ। मुझे भी लिफ्ट मिल गई, ये भी खुश हो गई। हेलो दुल्हन, अगर तुम्हारा दूल्हा तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ करे ऐसा खींच के लफाड़ा मार देना उसको। सिद्धू साहब आप सोच रहे होंगे मैं इतना तैयार हो गया कहाँ से आ रहा हूँ, मैं एक्चुअली शादी में गया था। हाँ। वैसे मैं इतना तैयार होता नहीं। हाँ। मैं दिल्ली में गया, दिल्ली की शादियाँ मुझे बड़ी पसंद है। अच्छा। बिग फैट वेडिंग। सॉरी बिग फैट वेडिंग। अरे दिल्ली की शादियों में इतनी अमीर महिलाएं आती हैं, उनको अच्छा। देख के मजा आ जाता है, मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ अंदर ही अंदर। सच बता रहा हूँ मुझे स्मोकी आइज बड़ी पसंद है सिद्धू जी। आई एम एडिक्टेड स्मोकी आई वाली लड़कियाँ फ्रेंडशिप के लिए संपर्क करे राजेश अरोड़ा। अच्छा मुझे वो बटॉक्स वाली लेडीज भी बड़ी अच्छी लगती हैं, वो जो गाल ऊंचे नहीं करा लेती। हाँ। कसम से सिद्धू साहब इतना मजा आता ना, 50 की उम्र में भी 49.5 लगती है। अच्छा मैंने मुंबई में आ गया, बैंड्रा की बड़ी बातें सुनी। हाँ। बैंड्रा में रात को पार्टियां बड़ी होती हैं। हाँ। बैंड्रा में जो लड़के हैं दुबले पतले मरे ले लड़के। हाँ। इतनी इतनी पैंट पीछे से मांग दिख रही होती लड़कों की। मेरा दिल करता है इनका बाप बन के ना इनको मैं घुटनों में लेके कूनी मारूं। हालांकि मेरी उम्र नहीं है, आई एम टू यंग टू बिकम ए फादर। अरे सिद्धू साहब आपने इतना क्रिकेट खेला, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ। रात को जो शराब पी के हैंगओवर हो जाता है। हाँ। वो कितने ओवर का होता है? मैं ये घर में रहने आया हूँ, मैं देखूं यहाँ पे घर कैसा है, मैं अगर मुझे पसंद नहीं आया मैं यहाँ आग लगा दूंगा, मेरे को पसंद नहीं आता, ये घर किसका है? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। तितली 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 तितली, हमसे इस तरह नाराज मत हुआ करो यार, कहीं तुम्हें मनाते मनाते कोई और हमसे ना मन जाए। मन जाए मेरे हाथों से वो मर ना जाए, पीछे वो सारा भार मेरे पे डाली जा रहे हो। अरे आओ आओ आओ, लो यार। पूछा हमारे जैसे सामान सेम टू सेम खरीद ले सस्ते में। अरे हाँ ये तो एकदम, ये हमारे जैसा ना, ये तो हमारा ही सामान है। ए? ओ, ओ भाई साहब। हेलो अंकल। कौन हो भाई और ये क्या है कि हमारा सामान कैसे फेंका ऐसे? घोड़ी की पूछ का झाड़ू बनाया, मोटी शर्म नहीं आती तुझे? ये किसका सामान है? अच्छा हुआ दोनों मजदूर आ गए, मेरी बात सुनो, ये सामान उठा के नाले में फेंक दो। चलो एक मिनट, आप क्या देख रहे हो? मेरी माँ का दिया हुआ सामान नाले में फेंक रहे हैं बच्चा। सुना हमने, सुन के आंखों में आंसू आ गए। जो बात इतने सालों से हम ना कह पाए एक पराया मर्द कह गया यार। इधर आओ,
मेरा ये वाला हाथ दुखता है। नहीं ना, हम खाली कहें, हम खाली कहें। बेबी, इतनी बार का तमीज में रह करो, हाँ? ऐसा ना हो कि भारत की जनसंख्या में से एक आदमी मैं कम करती हूँ। भाई साहब, ये क्या ले आया रोड़ा? मार दूँगा, कर दूँगा। अजय इन दोनों को देख के लगता है जैसे ना किसी ने दो कद्दू धो के रखे हो। सुनो मेरी बात, मेरा गृह प्रवेश करवाओ, इधर लोटा रखो चावल वाला, मैं इधर ठुडा मार के शर्मा के अंदर जाऊंगा। मेरे को बड़ा मजा आता है। गृह प्रवेश कराओ मतलब क्या है? तुम हो कौन? तुम कौन हो? हम बच्चा है। बच्चा है? चल बाप को बुला के ला, बच्चों से मैं बात नहीं करता। एक मिनट अंकल जी, ये 11 बच्चों के पापा हैं और मैं उन 11 बच्चों की मम्मा। 11 बच्चे? इन दोनों में से कोई तो है जो गलत फिल्में देखता है। 11 बच्चे मतलब 5.5 तुम्हारे, 5.5 तुम्हारे। 5.5 बच्चे क्या होते हैं? बच्चे तो माँ पैदा करती है ना। आज तुम भी किया करो मोटू, इतना एरिया तुम्हारे पास आलसी आदमी कहीं के। देखा, मैंने कहा था ना मेरी बात मान लिया करो, कामचोर कहीं के। अब देखो यार, हम तुम्हें किराएदार नहीं रख सकते हैं। मैं एज ए मालिक रह लूंगा। चलो इसी खुशी में तुम्हारा 1 साल का किराया माफ। जाओ। सच्ची अंकल? सच्ची अंकल? हम फ्री में रहेंगे। ए भ्रष्ट बुद्धि, हमारा घर है ये, हम तो फ्री में ही रहेंगे ऑब्वियसली। मुझे तुम्हारी हंसी पसंद नहीं आ रही बिल्कुल, मैं चोंच मार के पंक्चर कर दूंगा तुम्हें। और सुनो मेरी बात, मुझे तुम्हारे घर का वास्तु पसंद नहीं आया, इसको ढे दो। एक काम करो, इसका एंट्री गेट तोड़ के इसका गेट ऊपर लगाओ और ऊपर एक हेलीपैड बनाओ। ओ, आपके पास हेलीकॉप्टर है? मेरे पास माँ है। और सुनो मेरी बात, ये घर रविवार के रविवार जुहू के सामने शिफ्ट करो। बच्चन साहब आएंगे ऐसे हाथ लाएंगे, मैं मुंह उधर कर लूंगा। लोग कहेंगे बच्चन साहब से बड़ा आदमी आ गया, कैसा लगा मेरा आइडिया? डॉक्टर जी, अगर मैं आपके दिमाग का इलाज करा दूं तो कैसा रहेगा? कैसा लगा ये आइडिया? अब तू मेरे, तुम्हारा आइडिया पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, जाओ। ओए गंडुमल, घर की चाबियां दो मेरे को। अरे ऐसे कैसे चाबी देना, आपको घर में रहना है तो पहले पगड़ी देना होगा। पगड़ी नहीं, मैं तुम्हें साड़ी दे सकता हूँ। और सिद्धू साहब को बड़ा मजा आता है, लड़कों को ना लड़कियां साड़ी पहन के आती है, इनको बड़ा मजा आता है। मेरी तरफ से डील फाइनल। रुक जाओ, चंदू ने अपना वादा पूरा कर दिखाया है, पैसे मैं ले आया हूँ। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए भाई? तुम आम खाओ, गुटलियाँ क्यों गिन रहे मोटू राम? ये बताओ शिफ्ट कब करना है? ओ हेलो छोटू, जब भाग के पानी लेके जा। छोटू नहीं, चंदन हूँ मैं, चंदन। ओए तेरे मुंह पे नहीं सूट करती जैसा बात है, तेरे मुंह पे ये। ओए छोटू हेलो। आप हो कौन? अथू। ओ रोड़ा साहब, आप फिर आ गए। डकार, फाट और मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता। ओ, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये सोसाइटी के 3 स्तंभ हैं। अच्छा, दीपिका, आलिया, कटरीना, ये है स्तंभ, इनको रखो, मेरे को बड़ा मजा आता है। ये तीनों बड़ी मुझे पसंद है, हॉट कहीं की। ये इतना लगातार इतना फालतू बात कैसे कर लेते हैं आप? अच्छा मैं एक बात बता, नहीं भूल गया, मुझे ना XXL मोटे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे वो क्या कहते हैं, वो जो सब्जी में लगता है यार, तड़का, तड़का सूखी दाल खाने वाला आदमी, इसको क्या पता तड़का क्या होता है, तू वो बुला कर। फंगस, फंगस, हाँ। अच्छा मुझे फंगस बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, लेकिन जब मैंने इसको देखा मेरे को लगा कि फंगस ठीक होती है। लेकिन जब मैंने इसको देखा और मैंने कहा फंगस बहुत अच्छी होती है। मुझे तुम्हारा मुंह पसंद ही नहीं आया।
आपने अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में देना जो मुझे पसंद कर रहे हो। मेरी बेटी है ही नहीं, अगर होती तो मैं उसका हाथ जरूर देता तेरे मुंह पे। तुम अपने मुंह पे लखनवी एम्ब्रॉयडरी कराओ, 2500 रुपए में हो जाएगी। आप भी अपने मुंह पे सिलाई करवा लो, 10 रुपए लगेंगे। ये बात के बाद मुझे और भी गंदा लगने लगा है, इसको डिलीट कर दो। तुम्हारा डिलीट हो गया? ओ नहीं, ऐसे कैसे डिलीट हो गया? डिलीट कर दो, मैं पैसे लेकर आया हूँ। ये देखो पैसे लेकर आया हूँ। ये पैसे नकली है। ऐसे कैसे नकली? अनुपम खेर की फोटो बनी है इधर। ये पैसे नकली है। एक पैसे नकली है, तीन पैसे नकली है, पैसे नकली। कहाँ से नकली है? पैसे नकली है, दिखाओ असली असली। ये लो भाई, किराया मेरा हो गया। हेलो, मेरा पैसे आ गए। लेकिन ये तो मेरे पैसे हैं। तूने किसके हाथ से लिए मोटे? आपके हाथ से लिए। तो पैसे किसके हुए? तो मेरा तरफ से एडवांस आ गया। चलो मेरी बात सुन लो, मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं तो मैं लड़कों को बुला लूंगा। मैंने पूरे मुंह में तेरा पूरा किला दे देना है। अभी रुको जरा, फिर अभी मैं आता हूँ, अभी आता हूँ मैं। बच्चा जी, इतना शोर क्यों मचाया है इधर मोहल्ले में? इतना लेट कर दिया तुमने आने में, मेरा 6-7 साल का फ्लर्ट वेस्ट हो गया। चलो फिल्म के लिए लेट हो रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मैं ऐसा पराए मर्द के साथ फिल्म नहीं जाती। तो एक फिल्म के लिए मैं शादी भी नहीं कर सकता। मैं तुमको शादी क्यों करोगी? अच्छा, बिना शादी वाली फ्रेंडशिप ओपन माइंडेड है। मेरे को तुम बहुत पसंद आई हो, पहली बार मुझे कोई पसंद आई है। जाओ किसी तुम्हारी बच्चा, और ले जाओ। कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? कुछ बोलो ना। तो क्या है कि हम अपनी वाइफ से थोड़ा डरते हैं, इसके लिए अभी बोल नहीं पा रहे। तुम फोन नंबर दो ना, सारा सारा बोल देंगे, सब बोलेंगे। इतनी बातों को ध्यान मत दो, तुम मुझे काले अंगूर खिलाओ, मैं लेटता हूँ। तुम मुझे अपने साथ डेट पे ले जाओ, मेरे बड़े सारे फायदे हैं। कैसे? मेरे सारे फायदे उठा लो, मुझे कहीं का ना छोड़ो। भैया, किसकी हिम्मत हुई मेरी बहन को छेड़ने की? ओए 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 ओए, चंदू साहब ऐसा लग रहा है किसी ने सोनी पिक्स पे भोजपुरी चैनल चला दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? घर में अंग्रेज छुपा के रखती हो? मुझे तुम पे पहले से शक था, तेरे आगे काले और काले लगने लगे हैं। अंगूर, ये मेरी भाई है, भाई है। इन अंग्रेजों पे कभी भरोसा मत करना, ये कभी राइट हो ही नहीं सकते, ये गाड़ी भी लेफ्ट साइड चलाते हैं। ए खबरदार, हमारे बारे में कुछ बोला तो? यार तुम तो बुरा मान गए। आई लव अमेरिका, आई लव यूएसए, आई लव। अच्छा, मेरी शकीरा और जेनिफर लोपेज से बात कराओ। पैसे ले लो, पैसे ले लो। क्या फालतू बात कर रहे हो? तुम्हारा कच्चा पानी निकल आएगा। नहीं, यहाँ से निकलो। इधर आओ यार, तुम तो बुरा मार गए। और सुनाओ, डोनाल्ड का ट्रंप कैसा है? अच्छा मुझे एक बात पूछनी थी, तुम अमेरिकनों से, ये जो तुम टॉयलेट में पेपर लगाते हो, वो कभी पढ़ते भी हो कि नहीं? क्या बोलो तुमसे? तुम निकलो यहाँ से, अंग्रेजों भारत छोड़ो, चलो। इन लोगों ने हमें बड़ा लूटा है, मैं इन लोगों से 150 करोड़ दिराम लूंगा। अरे दिराम कैसे लेंगे, इनके यहाँ डॉलर चलता है। मुझे मुझे दुबई में यूज करने हैं। मेरे को बैले डांस देखना है, मुझे ऐसे सेल आते, मेरे को बड़ा मजा आता है। कभी हमारा भी बैले देख लो, टक्कर 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 वाला। बेटे मैं तुम्हारा बैले कैसे देखूं, तुम्हारा बैले बैल हो चुका है। बच्चा, अरे 11 तो दे दिया, और कितने दिन थक गए हैं हम यार। क्या बच्चा बच्चा बच्चा, बच्चे की औलाद, चुप कर। खबरदार, हमारी बीवी से ऐसे बात किए तो हमको गुस्सा आ रहा है। अब तुम्हें शर्म आनी चाहिए एक अनजान आदमी से शादी करते हुए। एक मिनट जी, शादी तो अनजान आदमी से ही करते हैं ना? बिल्कुल नहीं, मैंने तो अपनी बीवी से की है। तुमको
शर्म नहीं आती शादीशुदा होकर इतना फ्लर्ट करते हुए? जब मैं फ्लर्ट करके शादी कर सकता हूँ तो शादी करके फ्लर्ट क्यों नहीं कर सकता चंदू साहब? मुझे तुम बड़ी पसंद आई हो, चलो चले फिल्म देखने। सो रोमांटिक यार, कितने प्यार से पूछ रहे हैं उनको, देखो। तो उससे प्यार से तो हम भी पूछ ले, हिम्मत है तो इससे पूछो प्यार से। पकड़ो ये, जब देखो मेरी बेइज्जती होती रहती है, मैंने एक मिनट ही रहना यहाँ पे। मम्मी नाराज कर दिया ना आप, आपको शर्म नहीं आता है? एक मियां बीवी के बीच में आपने झगड़ा करा दिया। बिल्कुल नहीं आया। मुझे ये आदमी का दिमाग खराब लगता है। अरे बोल बानू। बानू आई लव यू जानू। अरोड़ा आप देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। माइकल घेर लो इसको। नाम ले मुन्ना भाई। मुन्ना चलो घेर लो इसको, इसने मेरे पैसे छीने हैं। आ गया आ गया, गुंडा आया। इसका पैसा वापस कर। बजा। चाकू देखा क्या? देखा, कैसे दिया? मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट, सब्जी काटना। अरे मेरा चाकू वापस करो। बजा। कैसे गुंडे यार, तुमसे ज्यादा तो मैं लड़ देता हूँ। ये कच्चा गुंडा तोड़ लाया। इधर आओ, इधर आओ, रोना नहीं। रोते हो, कितने गंदे लगते हो, तुम्हें बोला नहीं किसी ने? ये लो पैसे, कीप द चेंज। थैंक यू। ऐसे मोटा मुंह लेके मेरे पास नहीं आना आगे से। ये गुंडा लाए थे। एक किसका बजा? किसका बजा? किसका बजा? तेरा मिस कॉल जैसा मुंह तेरा बजा होगा पक्का। अरे मेरा बजा। हेलो, हाय। हेलो, कैसी बाबू, खाना खाया? अरे शर्म नहीं आता हाँ मेरी बहन को फोन करते हुए? तुझे शर्म नहीं आता अपने जीजा का फोन सुनते हुए? मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा। तूने मोटे आदमी, मेरे पैसे वापस कर, मैं चिंगारी के साथ रहूंगा। अरे कैसे पैसे, ये जो हमारा इतना नुकसान किए ये कौन भरेगा? ये दुनिया में सिर्फ भरने आया, पहले तो अपना पेट भरा, फिर बीवी का पेट भी खाले नहीं रहने देता ये। और कितना भरेगा तू? तुझे बाद में देखूंगा। चलो चिंगारी, हम लोग रहना शुरू करते हैं। तुम मेरी बहन के साथ नहीं रह सकते। मैं तो रह सकता ना। अरे तुम अपनी औकात में रहो। और यार मुझे मेरी कोई औकात बताएगा? 8 लाख रुपए कप्पू ने मार लिए, 10,000 रुपए अरोड़ा ने मार लिए। तुम रो नहीं, रो नहीं, रो नहीं। मेरी, मैं कहाँ रो रही हूँ? मुझे तो मजा आ रहा है। मेरे बैंक को छोड़। मैं इस दुनिया में किसी लड़की को बेसहारा नहीं छोड़ सकता। इसको कैसे छोड़ दूँ? जुबान को लगाम दो। अच्छा तो ये वही है, 3 गुना लगान भरना होगा। मेरा डंडा कहाँ है? अरे अरे नो, नहीं नहीं, मेरा डंडा कहाँ है? तुम वही हो। मैं वो नहीं हूँ, वो लगान वाला दूसरा है। देखिए ऊपर एक कमरा खाली है, अब बाहर रह सकते हैं। हाँ बस 3,000 किराया देना होगा। तो मेरे बारे में भी तो कोई सोचो। मैं सोचता हूँ, सोच लिया, निकल। देख मैं तुम्हें घर देता हूँ, तुम्हें किराया एडवांस में देना होगा। मैं अभी दे देता हूँ। लाओ ये लो पूरे 3,000। 3,000 रुपया कोई बात नहीं, ये लो इधर आओ। हाँ ये तुम्हारा घर, ठीक है? और जब बारिश हो छत खोल लेना, ये लो। और अगर मेरे घर का कोई नुकसान हुआ तो मैं तुम्हारे मुंह में उंगली देके ऐसे तुम्हारे गाल फाड़ दूंगा। लोग घरों को पेंट करवाते हैं, मैंने हवा भरवानी है घर में। चलो अपने घर में हवा भरवाओ। और तुम, हेलो ओ मैदा, चलो निकलो, मैं आलू डालकर तुम्हारा कुलचा बना लूंगा। और मेरा किराया? कोई किराया नहीं, चलो भागो यहां से। अरे सिद्धू जी, अमेरिका में मेरी जिंदगी इतनी रंगीन थी, इधर आके सब बर्बाद हो गया है। अरे मैं तुम्हारी जिंदगी रंगीन करता हूँ। हेलो स्वीटहार्ट, तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो, तुम्हारी जिंदगी अभी रंगीन करता हूँ। बैठो, आंख बंद करो, बोलो गोली। गोली हैप्पी होली।
मुझे पता है तुम्हें रंग पसंद नहीं है। अच्छा तुम बोलो आटा हूँ। आटा हूँ तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं और बड़े ही नेक दिल इंसान हैं, और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो जितने सीधे और सरल हैं उतने टेढ़े मेढ़े और मुश्किल रोल करते हैं। प्लीज वेलकम वन ऑफ माई फेवरेट मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजे ताली बजे सीटी काम ऐसे दमदार करता है, बजे ताली बजे सीटी काम ऐसे दमदार करता है, अपने हौसलों की कश्ती से मुश्किलों के समंदर पार करता है। जरूरत क्या है, जरूरत क्या है इसे छुरी या खंजर की, अपनी अदाकारी के तीर से दिलों पे गहरे वार करता है। अदाकारी तो इसमें कोई शक नहीं कमाल की, लेकिन छुरी खंजर के बिना कम ही करते हैं, उसमें भी रहती है चलती है फिल्म में मांगता है। अच्छा नवाज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवाज भाई लव यू, एक बार जोरदार तालियां नवाज भाई के लिए। भाई मैं एक साल फ्री था, हाँ तो जितनी फिल्में आपकी मिस की मैंने सारी देख डाली, क्योंकि नवाज भाई कुछ भी करें मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप बहुत ही बाकमाल एक्टर हैं। नवाज भाई जब भी आते हैं बहुत मजा आता है। थैंक यू। लेकिन इस बार नवाज भाई ने जो किरदार निभाया है वो माननीय बाला साहब ठाकरे जी का किरदार निभाया है। भाई वो बहुत ही एक स्ट्रांग लीडर थे, सबको पता है। कितना मुश्किल था उनका किरदार निभाना आपके लिए? एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो उनकी स्पीचेस हैं जी उसमें ईज कैसे लाया जाए। बेसिकली उनकी स्पीचेस नहीं होती, बहुत कन्वर्सेशनल बात होती थी जो लोगों के बीच में ऐसा लगता था कि हमारी बात कर रहा है ये आदमी, तो उस तरह का उनका स्पीचेस होती थी जो अक्सर स्पीचेस सुनते हैं हम लीडर्स की, वैसा नहीं होता था। उन्हीं की बात उन्हीं के बीच में खड़े होकर बोलते थे। ऐसा जस्ट लाइक जो आदमी 15-20 लाख आदमियों को एक इशारे पे अपने साथ चला दे exactly. वो बहुत बड़ी ताकत का मालिक है, बहुत बड़ी ताकत का मालिक। इसलिए मैं ये देखूं कि हम हिमालय की पर्वत की ऊंचाई जैसा कैरेक्टर जिस आदमी का, उस आदमी को न्याय देना और संस्था स्वरूप न्याय देना, अगर मैं किसी एक्टर के बारे में सोचूं तो भगवान ने सही चुना है, आप ही वो न्याय कर सकते थे। एक्चुअली जब फिल्म का टीजर आया ना बाजी जी, तो जैसे बाला साहब के जैसे इन्होंने शॉल लिया और पीछे से इनको कैमरा से ऐसे दिखाया गया, तो मुझे सच में लगा कि बाला साहब ही है कैमरा पे। पर बहुत अच्छा लगा नवाज भाई कि आपने उनका ये किरदार निभाया। आपसे ढेर सारी बातें करने आई है नवाज भाई। नवाज भाई आप पहली बार हमारे शो पे आए हैं, अब ये देखो आप, जब भी हमारा शो शुरू होता है एक आध चीज नहीं ऐड होती, इस बार ये केले और सेब भी हैं। तो नवाज भाई आप जो भी फ्रूट खाना चाहें, बजट बड़ा तगड़ा है, ग्रीन सेब हैं, रेड सेब हैं, ये बड़े वाले केले हैं, छोटे वाले केले हैं, काले अंगूर हैं, गोरे अंगूर हैं, संतरा है भाई, केले का, सेब का, संतरे का, अंगूर का, जो चाय मांगता है लेने का। मुझे लग रहा है जाके बेच दूं मैं। यार पूरा टोकरा स्ट्रगल बड़ा किया है नवाज भाई ने यार, वही याद आ रहा है मुझे, स्ट्रगल इतना किया नवाज भाई, मेरे को बड़े प्यारे लगते हो आप। अच्छा फ्रूट तो फिर भी बहुत बड़ी चीज, मैंने सुना धनिया भी बेचा है इन्होंने। मेरा एक्चुअली मैंने वाकई मेरा एक बात करते मजेदार बड़े होते हैं इनके किस्से। उसी दौरान जब मैं छोटे छोटे रोल कर रहा था उनके पैसे तो मिलते नहीं थे। तो क्या होता था, मेरा एक दोस्त था उसने बोला कि नवाज भाई 100 के 200 करने हैं क्या? हमने हाँ करने हैं, क्यों नहीं करने? तो उसने बोला चलो दादर चलते हैं। तो हम मेरा रोड से दादर गए, तो उसने 100 खुद के मिला, 100 मेरे लिए, 200 का हमने धनिया लिया इतना। और वही दादर जो सब्जी मंडी है ना वहीं पर रख के, और 10 की गड्डी। बोलने लगा वो। अच्छा तो खरीदा तो किसी ने नहीं उसको, थोड़ी देर बाद 1 घंटे के बाद आई थिंक ब्राउन हो गए फिर काले पड़ गए। तो अच्छा। यार कोई बिका नहीं हो, तो हम उसके पास गए जिससे लिया था हमने धनिया, तो मैंने कहा यार कि ये तो काला हो गया, धनिया काला पड़ गया। अच्छा पहले उसके ऊपर पानी डाला था हमने।
बोला हाँ ये मिस कर गए, तो फिर हम खाली बिना टिकट के वापस पहुंचे वहां। वही ना कंगाली में आटा गीला, एक तो पहले स्ट्रगल कर रहे हैं, ऊपर से जो पैसे थे उसका भी धनिया लिया, उस पर पानी डालना भूल गए, धनिया भी सूख गया है, यूं हो जाता धनिया सूख के। क्या बात है यार, तालियां बनती हैं भाई आपके लिए। अच्छा मैंने अभी ये जो बड़े लोग बन जाते हैं, मतलब बड़ा काम से ही होता है आदमी, वो जब अपनी स्ट्रगल की बात करता है, उसके किस्से सुनाता है, तो फिर आम आदमी में विश्वास जगता है कि मैं भी ऐसा बन सकता, इसमें कोई शक नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ऊंची बात है। नवाज भाई, जब ये आपको पहली बार बाला साहब का रोल ऑफर हुआ, तो आपको खुशी हुई थी या टेंशन हुई थी कि यार मैं कैसे करूंगा ये किरदार? डेफिनेटली खुशी होती है जब आपको चैलेंजिंग, एट द सेम टाइम मैं बहुत नर्वस भी हो गया था, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर था, बहुत आसान कैरेक्टर नहीं था वो, बट मैंने तैयारी इतनी कर ली थी कि अगर मुझे आप रात में उठाओ ऐसे, मैं पूरी स्क्रिप्ट आधे घंटे में आपको सुना दूंगा, ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया। बाला साहब की बायोपिक से पहले नवाज भाई ने सादत हसन मंटो, बहुत महान राइटर हुए हैं, विचारक हुए हैं, उनकी बायोपिक की, उससे पहले जीतन राम मांझी जिन्होंने पहाड़ तोड़ दिया था, उससे पहले इन्होंने रमन राघव नाम की पिक्चर करी, जो भी कहते हैं कि ओरिजिनल किरदार से ही प्रभावित थी फिल्म, फिर गैंग ऑफ वासेपुर में भी इनके करेक्टर जो हैं, ऐसे कहा जाता है कि रियल लाइफ पर्सनैलिटी से जो है इंस्पायर्ड हुए थे। तो भाई इंडस्ट्री में बाकी जो एक दो और बायोपिक बनी है, वो आपको स्क्रिप्ट पसंद नहीं थी कि टाइम नहीं था? मैं तो सोच रहा था कि मेरी कॉम भी मैं ही करूं, बट पर ये इतने कमाल के एक्टर है ना, ये गेटअप वेटअप लेके कर भी डालते उसके लिए मेकअप थोड़ा ज्यादा करता करना पड़ता। नवाज भाई जो भी किरदार करते हैं ना, पूरा उसमें घुस जाते हैं। नवाज भाई आपने जो रमन राघव किया था साइकोपैथ किलर का रोल, उस समय कौन से किरदार में घुसे थे आप? कुछ फर्क नहीं तो पड़ा आपको ऐसे करेक्टर को निभाने में? मतलब फर्क पड़ा था, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था एक्चुअली। क्या हुआ था? 8 दिन के लिए। अच्छा हाँ, पर नवाज भाई सीरियसली फर्क पड़ता है अगर आप कोई ऐसा किरदार करते हो? फर्क पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप किरदार से कुछ लेते हो तो वो भी आपकी लाइफ से बहुत कुछ ले लेता है, ये बहुत बाद में पता चलता है एक्चुअली। फिर मैं इसलिए सहमत हूँ, मैं ना भाई कॉलेज के दिनों में एक प्ले करते थे, प्रकाश कपाड़िया साहब है जिन्होंने एक प्ले लिखा था ब्रह्मनला, उसमें अर्जुन को श्राप मिल जाता है कि तुम नारी के उसमें रहोगे, भेष में भी और तुम्हारी हरकतें भी वैसी होंगी, तो मेरे को वो किरदार मिल गया। तो मैं क्या करता था, कॉलेज जब छुट्टी हो जाती थी वो लहंगा पहन के चुनरी लेके, मैं क्योंकि रिहर्सल करे तो वही पहन के घूमता रहता था। सिद्धू पाजी थोड़े दिनों बाद ना, मैं जब प्ले हो भी गया, हमारा प्ले फर्स्ट भी आ गया, नेशनल भी चले गए, तो मैंने खुद ही रियलाइज किया कि मेरी चाल वैसी थी कसम से। पर ये सही बात है, लेकिन एक बार चल के तो दिखाओ, एक बार करिए जरा। अब चल अभी तो बताया क्या प्रॉब्लम है? अच्छा देखो ना, आदमी नॉर्मल दाढ़ी बड़ी रखी हो तो आदमी ऐसे चलता कि और कैसे हैं आप, तो सोचो ऐसे ही दाढ़ी बड़ी रखी तो मेरे को ध्यान में थोड़ी ना कि मैं कैसे चल रहा हूँ, और सर ऐसे आप ठीक है, बाकी लोगों को लगता है बंदा आया तो ठीक था, पर हो जाता है। अच्छा नवाज भाई अभी, क्योंकि अभी नवाज भाई बड़े पॉपुलर हो गए ना, तो अब तो झट से पहचाने जाते हैं, तो फिर कई फिल्में ऐसी मैं देखता हूँ जिनमें ये मुझे, मगर नवाज भाई इधर क्या कर रहे हैं, जैसे सरफरोश में मैंने आपका सीन देखा, क्योंकि अब मशहूर हो गए तो सब पता चलता है, तो एक फिल्म में बेचारे आए, एक ही सीन किया, कितने सारे थप्पड़ खाए और वो कोई उनको पुलिस वाले पीटते हैं ये वो, पर इतने से किरदार में अपने आप को बता देना कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है, आपने वो किया है इन्होंने। ऐसे कितने रोल किए होंगे नवाज भाई, और कोई ऐसी हसरत रह गई है जो आपने अभी तक पूरी नहीं की? मैंने आई थिंक छोटे छोटे रोल तो आई थिंक बहुत सारे 20-25 किए होंगे, लेकिन आधी फिल्मों के तो बारे में किसी को पता भी नहीं है, बस बहुत सारी सी ग्रेड की फिल्में भी थी उस वक्त पे बनती थी, तो उसमें भी करता था मैं। एक बार तो ऐसा किस्सा हुआ था कि हम लोगों को बहुत पैसे की ज़रूरत थी, तो हमने किसी कास्टिंग डायरेक्टर को बोला यार पैसे नहीं है तो कुछ इमीजिएटली कुछ बता दे, तो उसने बोला फिल्म सिटी में शूटिंग चल रही है ऐड की, तो चला जाओ वहाँ पे। तो हम, मैं और मेरा दोस्त चार बंगला से यहाँ आ गए पैदल। अच्छा, तो ऐड की शूटिंग चल रही थी, तो बस में बहुत सारे ज़रूरत थी आर्टिस्ट की, जो जूनियर अच्छा। आर्टिस्ट भी थे, तो उसी में असिस्टेंट ने हमें उसी में वहीं बैठा दिया कि यहाँ बैठ जाओ और कुछ बिजनेस करते रहो। क्या करोगे? मैंने कहा मैं सो जाता हूँ या अखबार पढ़ लेता हूँ, ताकि किसी को चेहरा भी ना दिखे, नहीं तो लोग बोलेंगे अरे एनएसडी से और देखो क्या कर रहा है ये। तो एनीवे वो शूटिंग ख़त्म हो गई, हमें 2500 रुपये मिला उसको भी, और जैसे हम लेके जा रहे थे पीछे से जो जूनियर आर्टिस्ट का जो कोऑर्डिनेटर होता है उसने पकड़ा, कौन हो तुम लोग? मैंने जूनियर आर्टिस्ट हैं, तो कार्ड दिखाओ कहाँ है, को कार्ड हमारे पास था नहीं। अच्छा हाँ, वो तो उसने बोला अभी तो वो देने पड़ेंगे तुम्हें पैसे आधे, तो आधे उसको दिया, मतलब आई थिंक 2000 रुपये उसको दिए, 2000 हमारे पास बचे।
तो यही फिल्म सिटी से निकल के एक संतोष नगर है, वहाँ पे बैठे और खूब खाया पिया दबा के बहुत, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस तरह से खाया पिया नहीं था। तो जब खा पी के पता चला हमारे पास सिर्फ मुश्किल से 200 रुपये बचे हैं, ऑटो में बैठे वापस जब घर गए तो हमारे पास कोई पैसा नहीं था। क्या बात है यार। अच्छा अब वो किस्से याद करके हंसी आती है, पर कितनी मेहनत की है नवाज़ भाई। तब तो बड़ा अजीब लगता था। अच्छा सारे किस्से स्ट्रगल के ही हैं कि थोड़े मजेदार भी हैं? और भी नहीं, मजेदार भी हैं। मैं नवाज भाई को ये पूछ रहा था कि मैं, नवाज भाई अगर आपकी लाइफ पे बायोपिक बने तो कितनी हीरोइंस लगेंगी उसमें? कहने का मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है कॉलेज में, या तो कोई एक्टर बहुत अच्छा होता है या कोई बहुत अच्छी गिटार बजाता है, उन पे लड़कियां बहुत मरती हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे ग्रुप है, ग्रुप में हम लोग बैठे हैं स्ट्रगल के दौरान और उसमें लड़कियां भी हैं, और कोई लड़का होता म्यूजिशियन होता था, शाम के टाइम बैठे हैं और वो जैसे उसने गिटार बजाना शुरू किया, जिसको मैं ताड़ रहा था बहुत देर से, पता चला वो कहीं और ताड़ रही है। बात सही है ये, बिल्कुल सही बात है। नवाज भाई सोचो मैं और दिनेश साथ में बैठे थे तो सेम जो आप बोल रहे हो, ये अपना दिनेश नहीं जो गिटार पे है, देख लो आप। अब आप खुद सोचो कि लड़की बैठी हो और मैं और दिनेश दोनों किसको पसंद करेगी, पर इसको कर लेते। चलो बात लड़कियों की हो रही है तो अब उन्हें इनवाइट करते हैं जो फिल्म ठाकरे में नवाज भाई के साथ नजर आएंगी और बहुत ही अहम किरदार निभा रही हैं। आप सबकी तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी ब्यूटीफुल अमृता राव। आज निगाहों को वो मंजर प्राप्त है, आज निगाहों को वो मंजर प्राप्त है जिसके आगे सारी सुंदरता समाप्त है। कपिल बंद कर दे ये सेट के ऊपर सारी लाइट, रोशनी के लिए इनका चेहरा ही पर्याप्त है। वाह, अभी थोड़ी देर पहले नवाज बाहर है, चाकू छुरियां खंजर आपके लिए, रोशनियां बंद कर दें, सिर्फ नजरें ही काफी है। आप बिलीव नहीं करेंगे मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ। ऑफ कोर्स, मैं कैसे भूल सकती हूँ, आपको याद है। आपको आपको पता है मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। क्यों? क्योंकि इससे पहले जब मैं आपके शो पे थी और हम बातें कर रहे थे जी, मेरे घर पे मेरे रूम में पूरा का पूरा फॉल्स सीलिंग गिर गया मेरे बिस्तर पे। ओ, ओ, ओ। तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं, आपको पूरे पैसे देने चाहिए थे ना। अमृता आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। अच्छा आपको याद है, मैं इस चीज की दाद देता हूँ, आपको याद है कि आप हम लोग पहले मिले थे, ऑफ कोर्स चलो शो में आए थे, उससे पहले हम एक बार मिले, बताओ। अच्छा हिंट दे देता हूँ, 10 साल पहले मिले हम, जब मैं स्कूल में थी। मेरे स्कूल के कंपाउंड के बाहर जो चने वाला वो जो बेचते हैं मूंगफली, उस कार्ट के पीछे एक बंदा खड़ा होके मुझे घूरता था। आठ बजे यही थे। हमने भी बड़े धनिये बेचे हैं, होगा नवाज भाई कहीं बेचे होंगे। अच्छा अगर कोई कुछ बेच रहा होगा तो मैं ही हूंगा फिर। मेरे पीछे ये खड़े होंगे क्योंकि जब भी मैं बेचता था कुछ तो उसके पीछे ये खड़े होते थे। अच्छा मैं तो आपको ये भी नहीं कहूंगा यहाँ बैठो, आप तो मेरे साथ ही एडजस्ट हो सकती है, आइए शेयर कर लेते हैं। इतनी पतली सी हैं, इतनी बहुत प्यारी लग रही हैं आप। ओ माय गॉड, इनकी अभी अभी शादी हुई है। अरे वो पीआर स्टंट था। पूरे हिंदुस्तान के सामने कपिल जी, कपिल जी विवाह के लिए, पहले वाला करो ना। देखो कपिल जी, कपिल जी आपके विवाह के लिए कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शादी भले हो गई, दिल से मैं वही हूँ। शादी से पहले वाले वही हूँ भाई, और वही रहूंगा। वही रहना।
क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कहीं खबर सुनी थी आपकी भी शादी हो गई है। अच्छा, रेडियो पे सुनी थी? बड़ी किसी ने बड़े अनमोल से मुंह से मुझे ये बात सुनाई थी कि आरजे अनमोल। अच्छा, चलो अब तो मामला क्लियर हो गया। मैं भी शादीशुदा, आप भी शादी, मिलके फ्लर्ट करते हैं। ना आपको कोई गिल्ट, ना मेरे को कोई गिल्ट। अब जस्ट किडिंग। प्लीज वेलकम अमृता राव। अमृता प्लीज आप यहाँ पे आइए, आइए अमृता। काले अंगूर के गोरे? मैं आपके लिए फ्रूट्स। देखिए बजट की बात होती है, मुगलई तरीके से मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे घर पे खाना नहीं खिलाते तो इसीलिए कपिल के शो पे आना पड़ता है। ये अंगूर ऐसे खाते मैं खिलाऊं? नवाज भाई, मैंने देखा है आपने ना हमेशा ना वो वाले किरदार किए हैं जैसे मैं गरीबों वाले, मैं देखना चाहता हूँ। अमृता प्लीज, नवाज भाई मैं चाहता हूँ ना आप महाराजा बन जाइए। अमृता आपको अंगूर खिलाने, भाई साहब को फीलिंग लो। नवाज भाई कितनी स्ट्रगल की आज, पूरा मजा लो, एंजॉय लो आज बहुत। अमृता, नवाज भाई ने कितने सारे करेक्टर्स किए अलग अलग। हाँ। पर मार धाड़ वाले, गुंडे मवाली के, और पहली बार उनको इतना रोमांटिक सीन दिया आपने, दिल से नहीं किया। अगर मैं आपकी जगह होता ना नवाज भाई तो मैं एक गाना प्ले कर रहा। फील नहीं आ रहा था वो आपका। फील नहीं आ रहा था? आप सामने देखो, मैं पूरा फील दूंगा। मेरे पे मैं तो लड़कों को लड़कियां बना देता हूँ भाई। मजे उन्होंने ले लिए, तू ले गया मजे। ये क्लास किया तूने यार। ओह माय गॉड, सत श्री अकाल पाजी। कॉपी टू ऑल। हाय कप्पू, कैसे है? मैं ठीक है बेटे। मेरा मिमिक्री नहीं करने का, बोलती है मैं पहले ही। हाय नवाज जी, हाय। एक मिनट इधर आओ ना। क्या बात है, देखो आजकल की लड़की लोग सिर्फ आवाज उठाती है, मैंने नवाज उठा दिया। एक मिनट नवाज जी आइए ना। कैसे? इधर बैठिए इधर। हाँ एक मिनट उठिए ना। ये क्या कर रही है सपना? ये क्या कर रही है? मैंने बोला था ना बड़े बड़े लोग के बीच में मेरा उठना बैठना है। यह मानता ही नहीं है। बैठे इधर, हमारे मेहमानों को तंग नहीं करना। मैं सच्ची में सर आपका बहुत बड़ी फैन है, बहुत फर्टाइल एक्टर है ये। फर्टाइल नहीं मैडम, वर्सटाइल एक्टर। लेकिन पाजी हमारे नाले सुपर में तो फर्टाइल ही बोलते। नवाज जी कैसे, क्या लेंगे बताइए? घोड़ा, बारूद, बंदूक? बंदूक ये सब कौन पूछता है? अरे नहीं, इनकी पिक्चर देखी, इनको यही सब लगता है। कट्टा इनके बगैर नहीं चलता, ये कट्टे के बगैर नहीं चलते। नवाज भाई जब से ना इसका ब्रेकअप हुआ ना मुकेश इसका बॉयफ्रेंड है, तो इसका थोड़ा दिमाग खराब हो गया है। मेरे को काली फुकट मुकेश के याद दिला दी। आप मुकेश को जानते रहेंगे? मुकेश मेरा बॉयफ्रेंड, आप लोग के पिक्चर जब आते हैं ना थिएटर में, हाँ? उससे पहले उसका आता है, क्या हो गया इस शहर को, हर तरफ धुआं ही धुआं। मैं हूँ 23 साल का मुकेश। उसके साथ मेरा लफड़े था, बहुत टाइम चला उसका मेरा लफड़ा। लेकिन वो मेरा बहुत रिस्पेक्ट करता था, मालूम है? मेरे मुंह के सामने कभी कुछ बोला ही नहीं वो। तो मुंह में गुटखा रहेगा तो कहाँ से बोलेगा वो? एक मिनट, वो लेकिन ऐसे मुंह उठा के भी तो बात कर सकता था ना, लेकिन नहीं किया। नहीं किया वो, नहीं किया। मुंह की जगह अगर ना चप्पल उठा के बात करता तो ज्यादा समझ में आती। चप्पल वो पहनता ही नहीं था। अमृता आप मुंडे लेना, मैं उधर नाला सुपारा की मुंडे ले। हमारा उधर बहुत फैशन शो होता है, नीता नल्ला हमारी डिजाइनर है उधर। अरे मैं जब रेमबो करती है ना उधर क्या ताली बजते मालूम है उधर नाला सुपारा में, ऐसा करके ऐसा बहुत मजा आता है मालूम है।
ऐसे कौन मॉडल चलती है? अरे नाले सुपर में रोड पे खड्डे बहुत रहते ना, तो हमारा ऐसे ही रहता है सब जगह। हमारे ऐसे ही रहते, समझा? अच्छा नवाज जी, मेरे को आपको बात पूछना था। आप इतना सारा बायोपिक करते, मेरा मुकेश का बायोपिक करो ना। तेरे बॉयफ्रेंड का बायोपिक नहीं बन सकता, उसका टूथपिक बनेगा। मेरे बॉयफ्रेंड पे मत जाना, वो खुद अपने माँ बाप पे नहीं गया, आप क्यों जा रहे हैं उस पे? खैर ये सब बातें नहीं। नवाज जी मेरे जी। को एक सीरियस मेरे को बात पूछना था। हाँ। नवाज जी बहुत सारा पिक्चर किए आप, अभी जैसे मैं किक पिक्चर देखी मैं, उसमें आपने सलमान खान को लिया था ना? अरे सलमान खान और नवाज भाई दोनों एक फिल्म में थे। अरे जो गेस्ट है उसकी तारीफ करने का खुश रखो ना, जब सलमान भाई आएंगे कुछ और बोलेंगे हम लोग। ऐसा रखने का ये समझते ही नहीं, 9:30 के बाद कुछ हो जाता है सोनी टीवी पे इसको। अच्छा नहीं मैं सीरियस बात करती हूँ नवाज जी, कि पिक्चर में इतना अच्छा आपने डिफरेंट विलन का रोल किए, फिर मुन्ना माइकल में आप डांस भी किए, गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी एकदम डिफरेंट रोल था, तो इतना सब आप अलग अलग रोल करते तो 1 करोड़ रुपए दो ना मुझे। तू सबसे पैसे क्यों मांगती रहती है? अरे बहुत पैसे वाले लोग हैं, मैं देखा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीते हैं लोग वैनिटी में बैठ के। अरे तो कुछ नहीं है, अमृता का वैनिटी में तो ड्रैगन फ्रूट भी था, हमने तो ड्रैगन टीवी पे देखा, फ्रूट में पहली बार देखा मैं। बहुत पैसे वाले लोग हैं, ऐसा ही नहीं। लेकिन सर मेरे इधर सपना ब्यूटी पार्लर मसाज करवाओ ना, आओ ना। अरे तेरे से मसाज कराएंगे, वो तो जाके क्या रोम और इटली पेरिस बैंकॉक में उधर उधर मसाज लेते हैं। रोम इटली पेरिस उधर मसाज लेते तो टांग पेट और पीठ पे नहीं लेते आप? अमृता ये पागल है, इसको बेचारी को जाने दो, इसका गुस्सा नहीं करना। पागल नहीं है, मेरा फिगर और ट्रिगर देखो एकदम परफेक्ट है, क्या पागल है मैं? पागल नहीं है मैं, पागल नहीं बोलना। ट्रिगर तो देखा, ट्रिगर कहाँ से है? ट्रिगर सपना तेरे को बोला था ना गेस्ट को परेशान नहीं करना, लेकिन मैं एक दिल से एक बात बोलती है मैं। बोलती बोलती। हाँ, गुण गुण मैं सच्ची में, मैं सच्ची में बता रही हूँ, ये सर ना मतलब अपने खुद के एक्टिंग के दम पे आगे आए, ले जोरदार ताली हो जाए। अपन लोग का क्या है, हम लोग तो बाप का दादा का चाचा का बस इसका बदला लेने के लिए आए दुनिया में। मैं सच्ची बोलती हूँ, लेकिन एक चीज याद रखें, जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं सर। हाँ सही है, क्या हुआ? हम भगवान के भरोसे है, हो सकता है भगवान हमारे भरोसे में रहे, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना सर। मैं इनका 3 डायलॉग एक ही फ्लो में बोली, 1 करोड़ रुपए दो ना। एक करोड़ तो मुझे भी नहीं मिला था उन फिल्मों में जिनके डायलॉग आप बोल रही हैं। अभी कितना लेते हैं आप? अभी तो लेता हूँ। हाँ तो दो ना, 1 करोड़ रुपए दो ना। कैश खत्म हो गया आजकल, कैश नहीं चलता। ये मालूम है टीवी पे बोलते, पीछे मिलूंगी फिर देना मेरे को, ठीक है? अच्छा सिक्योरिटी लेके जाओ उसको, जाती नहीं है अपने आप। सिक्योरिटी क्यों, मैं खुद जाएगी, सिक्योरिटी का है मेरे को लेके जाएगी। बाय। सुपर। अमृता सबसे पहले तो ये बताइए कि आप फिल्म ठाकरे में जो है वो कौन सा किरदार निभा रही हैं? आई वुड से मैं बहुत लकी हूँ कि मैं मीना ताई ठाकरे जी का रोल निभा रही हूँ, जो बाला साहेब ठाकरे जी की धर्म पत्नी थी। आई थिंक ये मेरे लिए सिर्फ एक रोल नहीं था, ये एक सम्मान है मेरे लिए। लेकिन बाला साहब जैसी पर्सनैलिटी जिन्होंने पूरे समाज की सेवा की और उनकी पत्नी का किरदार आप निभा रही हैं, सो आपको दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। फिल्म में तो ये मीना ताई जी का किरदार निभा रही हैं, लेकिन रियल लाइफ में इन्होंने जिनसे शादी की है वो बड़े प्यारे इंसान हैं, वो आरजे हैं और आरजे अनमोल उनका नाम है। मेरी तरफ क्या देख रही हैं आप? अच्छा आपको उनको देख के प्यार हुआ था कि रेडियो पे उनकी आवाज सुन के? आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि जो भी हुआ गलत हुआ। मेरे को भी तो ये भी लगता है, मेरे साथ भी जो हुआ गलत हुआ, पर मैंने जैसे पहले बताया इट वाज अ मूवी, आई वाज प्लेइंग ए कैरेक्टर ऑफ ए दूल्हा और इट बिकम सो पॉपुलर इन डिजिटल कि पेपरों ने छापना शुरू कर दिया, इट वाज ए फिल्म।
तो मैंने तो सच मान लिया और मैं कितना वेट करती आपके लिए. पहले तो आप फिल्में कर रहे हो, दूसरे दूसरे हीरोइंस के साथ फ्लर्ट कर रहे हो जी, ठीक है, और उसके बाद आप शो पे बिजी हो, फिर आप शो से गायब हो जाते हो. हाँ जी. और पता नहीं आप कहाँ पे फिर. लाइफ में वेरिएशन मांगता है. फिर मैं ढूंढती हूँ. अच्छा आरजे जो होते हैं, वैसे आपके हस्बैंड से याद आ गया, उनको ना जब अपने रेडियो शोज चलते हैं बहुत सारे लोग फरमाइशें करते हैं उनको अलग अलग कि ये गाना सुना दो ये गाना. कभी आपने चलते शो में उनको बोला कि आते हुए 200 ग्राम पनीर ले आना? वैसे पनीर 250 ग्राम पनीर वो मुझे बोलेंगे कि मैं आ रहा हूँ घर पे रेडी रखना. हाउ रूड योर हस्बैंड इज. अरे सारे पति ऐसे ही होते हैं, हिंदुस्तानी पति. सच है क्या? सच है क्या? पत्नियां बोलती हैं सारे पति ऐसे होते हैं, पति बोलते हैं सारी पत्नियां जो होती दबंग होती हैं. हम किसको सच माने? प्लेट लगाओ, खाना दो, परोसो, हाथ धो. बड़ी प्यारी है. ऐसी बीवी हो ना आदमी का चेहरा खिला रहता है. नहीं पर गाने की फरमाइश मैंने की थी, वो मेरा फेवरेट गाना था किशोर कुमार का. कौन सा? गुम है किसी के प्यार में. मैं सुना दूं अभी? मतलब ये गाना अगर आपको कोई सुना दे तो आप शादी कर लेती हैं? बायोडेटा पे डिपेंड करता है. बायोडेटा मेरा अच्छा. आई हैव डन पीजी डिप्लोमा इन कमर्शियल आर्ट्स बेब्स. ओके अच्छा मैं सीधी सीधी, नवाज भाई मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, आपको कैसे लगते हैं? नवाज जी जो है बहुत ही डाउन टू अर्थ है, मैं कोई शक नहीं है. और इतने शर्मीले हैं, इतने शर्मीले हैं, मतलब आप बातें करते थे सेट पे आपके साथ के नहीं? मैं तो कोशिश करता था इनसे बातें करूं. बट आई डोंट नो क्यों ये ज्यादा इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया मेरे अंदर. और मैं यूज्ड टू हो चुका हूं इन सब चीजों का. पहली बार उन्होंने कोशिश की आपसे बात करने की? मैंने की थी. एक को एक्टर यही होता है कि यार मैं जाके कंफर्टेबल हूं ताकि आप कैमरा के सामने है ना. नवाज भाई गुड एफर्ट यार, वेरी नाइस. करता रहता हूं. अच्छा भाई बड़े लोग कहते हैं आप इतने ग्रेट एक्टर हैं, आप एनएसडी से भी हैं, आप इतनी सारी फिल्में की हैं. अच्छा जब कैमरा होता है वो तब तो मुझे ठीक है कि आप करेक्टर में हैं, ऑन है. जब अभी बंद है, लंच कर रहे हो, सपोज मैं बादशाह अकबर का किरदार कर रहा हूँ तो मैं ऐसे करके बैठ के ऐसी रोटी खाऊंगा कि मैं किरदार में, ऐसे होता है? नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़े एक ये बड़ा अजीब सा भ्रम फैला रखा है लोगों ने कि जो अगर आप उस कैरेक्टर में तो 24 आवर उसी में रहते हैं. अच्छा है ना, तो अगर ऐसे तो फिर अगर मैं जैसे गणेश गायतोंडे का रोल कर रहा हूँ और करता करता अपने घर चला जाऊँ तो किसको मारा है किसको मारा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला. क्या क्या रोल किया आपने, बहुत बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया. पर आप बिलीव नहीं करोगे सारा पूरा सीजन कितनी देर में देखा होगा मैंने, बताओ कितनी देर में देखा होगा? मैंने एक ही बार में सारा सीजन देखा भाई. नवाज भाई की फैमिली काफी बड़ी मैंने सुना है. नवाज भाई सुना है आप 6 भाई हैं? 6 भाई हैं, 2 बहनें. अच्छा नवाज भाई बड़े परिवारों में ऐसा होता है कि जैसे बड़े भाई की शर्ट है वो जब उसको छोटी होगी तो छोटे भाई को उसको छोटी होगी, सबसे लास्ट तक आते थे फट जाती थी वो. आपके साथ कभी ऐसा हुआ नवाज भाई? हमारे साथ ऐसा होता था कि लाइक जैसे त्योहार व्यवहार कोई आता था तो उसमें थान का थान आता था. अच्छा. तो उसमें सारे एक ही ड्रेस सबके उसी में सिल जाते थे कपड़े. अच्छा. तो मुझे बड़ी शर्म आती जब हम लोग सारे साथ निकलते, 7 भाई हैं हम एक्चुअली मुझे इंक्लूड करके, तो बैंड वाले लगते थे हम लोग. तो मैं क्या करता था कि जो मैं थोड़ा सा अपने भाइयों से थोड़ी दूरी बना लेता था. अच्छा. वो 6 के 6 एक साथ चलते मैं थोड़ा अलग चलता था उनसे. और 7 भाई एक ही तरह के कपड़े पहन, ऐसा लगता कब्जा लेने जा रहे कहीं. नवाज भाई आपने इतना थिएटर किया है, कभी आपको कोई अतरंगा सा रोल ऑफर हुआ है? एक प्ले किया था मैंने तो उसमें मैंने पेड़ का रोल किया था. पेड़ का रोल कैसे नवाज भाई? एक्चुअली क्या था कि जंगल का सीन दिखाना था तो मनोज वाजपेयी उसमें रीच बने हुए थे, भालू. मनोज भाई रीच बने हुए थे? हाँ, और मैं पेड़ बना हुआ था ऐसे. ये कब की बात है? ये 1991 की बात है, 92 की बात है ये. अच्छा. तो कुछ ऐसे कुछ बैठते थे हम लोग ऐसे
और ऐसे कुछ कर कर ऐसे रखते थे बिल्कुल ऐसे कुछ और ऐसे रीच और रीच कैसे आता तो, रीच आके यहाँ खो जाता था तो गुदगुद करते थे तो नवाज भाई अमृता आपके यहाँ पे फैंस हैं कुछ सवाल है नवाज भाई अमृता आपके लिए जी कौन पहले पूछना चाहता है जी भाई साहब हेलो सिद्धू सर हेलो कपिल सर मेरा नाम प्रियव्रत पटनायक फ्रॉम ओडिशा नहीं नहीं एड्रेस नहीं नाम क्या है प्रियव्रत पटनायक अच्छा जी पटनायक साहब कहाँ से हैं आप एक्चुअली मुंबई में जॉब कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर TCS में और मेरा सवाल नवाजुद्दीन सर से कि मुझे पता है कि आपका बर्थडे और आपका बेटे का बर्थडे एक ही दिन में आता है तो दैट इज 19th of May मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा बच्चे का बर्थडे सेम डे में आएगा तो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट उसके लिए ओ भाई ओ भैया उसके लिए कैसे सलाम है यार उसके लिए तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार को मेरे पास रहना पड़ेगा कुछ दिन तो पूरा प्रोसीजर बताऊंगा मैं कि कैसे आपके बर्थडे पे कैसे पैदा होगा आपका बच्चा और कोई हमारे दोस्त जी हेलो कपिल सर हेलो अमृता मैम हेलो हेलो सिंधु सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है अमृता मैम से मैम जैसे आपका अनमोल सर से 6 साल रिलेशन चला इतना अच्छा एंड देन आपने मैरिड की जैसे कि मेरी बात है तो मेरा 4-5 महीने से ज़्यादा टिकता नहीं है लाइक मुझे कोई ना कोई खामियां नजर आ जाती है तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको अनमोल सर में कोई खामियां नजर नहीं आई अब तक खामियां एग्जैक्टली कोई खामियां नहीं है वो परफेक्ट है इसीलिए वो अनमोल है थैंक यू मैम दिल जीत लिया आपने मेरा आप चाहें तो मुझसे भी शादी कर सकती आप भूल जाते हैं सॉरी पहले आप कपिल शर्मा थे अभी आप कपिल शर्मा हो गए हैं कोई नहीं नेक्स्ट एपिसोड में कोई और आएंगी मैं उनसे कर लूंगा अपने को मांगता है ऐसे फ्लड मांगता है क्यों नवाज भाई हाँ पहना दो मुझे सर से लेके पांव तक जंजीरें ये क्या हो गया तुझे ठीक ठाक है पहना दो मुझे सर से लेके पांव तक जंजीरें वाह आज आई है अपने खानदानी कपड़ों में ये खानदानी कपड़े नहीं है ये वो मैं अपने नेक्स्ट रोल के ऑडिशन की रिहर्सल कर रही हूँ पाजी ओहो, वो क्या अच्छा। है ना नवाज सर और अमृता आए हैं तो मुझे लगा मैं उनको दिखा दूँ अपनी रिहर्सल ये देखो एक तरफ अमृता राव एक तरफ भजिया पाव एक तरफ नवाज दूसरी तरफ दगाबाज वाह सर मैंने आपकी फिल्म ठाकरे का ट्रेलर देखा और उसका जो डायलॉग है कि भीख मांगने से अच्छा है अपना हक छीन लो इसका भी सेम ही है नवाज भाई हैं भीख भी मांग लो हक भी छीन लो और फिर भाग जाओ जेल से कैसे आना हुआ एक्सक्यूज मी मैं जेल से नहीं आई हूँ ओके मैं अपने नेक्स्ट रोल की तैयारी कर रही हूँ मुझे एक बायोपिक ऑफर हुई है कौन सी बायोपिक तेरे साथ कोई सेल्फी पिक नहीं लेता तू बायोपिक कौन सी बायोपिक ऑफर हुई है मेरी खुद की दादी की पाजी क्या स्टोरी है मैं क्या बताऊँ क्या स्टोरी है और कैरेक्टर उसका जो ग्राफ है उसका जो डेप्थ है डेप्थ बता मैं तेरे को बताऊँ इसकी दादी की इसकी दादी चोर थी इसकी दादी और क्या ये डेप्थ जिसको बोल रही है ना मतलब जितनी मर्जी डेप्थ हो वो कूद जाती थी दादा भी इसका चोरी किया हुआ था इसकी दादी ने पता है अब बेचारे को थोड़ा कम दिखाई देता था वो कहता सड़क पार करा दो सड़क पार करा के घर ले गई उसके बाद दादा के साथ सारी हदें पार कर गई इसकी दादी सोचो जिसकी दादी ने सारी हदें पार कर दी उनकी पोती क्या क्या कर सकती तो देखा आपने जो बच्चे आपसी सहमति से नहीं होते वो आगे जाकर ऐसी बातें करते हैं जाए तू एक काम कर तू ना प्रोटीन अपना बढ़ा और ककड़ी खाया कर अकल आएगी तेरे दिमाग में ना देखो जितनी अकल चाहिए उस हिसाब से तो बहुत है आफ्टर ऑल आई बिलोंग टू अ वेरी नाइस फैमिली भाई ये फैमिली की बात करते आजा अच्छा भाई आपको पता है वो ट्रेन में जो लोटे नहीं बंधे होते चैन के साथ वो पहले खुले होते थे
इनकी फैमिली की वजह से उन्होंने बांधने शुरू किए. ये आपको इसका टैलेंट नहीं पता नवाज भाई, ये पान की दुकान के निकल रही ना सामने से, कोई आदमी अगर खड़ा सिगरेट पी रहा है ऐसे करके खींच लेती है ये, ऐसा वैक्यूम वाला मुंह है इसका. नहीं नहीं पाजी, जो मैं नहीं करती हूँ वो इसको दिखता है, तो जो मैं करती हूँ वो क्यों नहीं देखते हो? आओ कभी मेरा प्ले देखो, पता है कितना हिट प्ले है मेरा. बड़े हिट प्ले होते हैं. आपको पता है पिछले महीने एक प्ले किया आजादी के ऊपर था. अच्छा पहला प्ले जिसमें अंग्रेजों ने इसको देख के खुद कहा भारत छोड़ो भारत छोड़ो. मुझे नवाज से कुछ डिस्कशन करनी है, तुम चुप रहो. अच्छा, सर, मुझे ना कुछ करना है, लाइक सीरियसली कुछ एक करना है, बस एक एक प्लेटफॉर्म मिल जाए मुझे. अच्छा, प्लेटफॉर्म मिलता है फिर चंद्र बिछा के शुरू हो जाती है. परदेसी परदेसी तो तेरे कहा है वो? इसने रखे हुए पत्थर के ना दो ऐसे उंगली में फंसा के पता नहीं क्या करती है. अच्छा दादर स्टेशन पे जितने पंटर लोग सो रहे होते सब इसके जानकार है. What rubbish, यहाँ पे बोलती है उधर इसकी आवाज सुनना है. ए चिंटिया सुनता है क्या तू? कोपके में लेके जाके बताऊं तेरे को क्या? डबल जीरो चूना और कमाम का पान लगा के लेके ऐसे बातें करती है ये. पान बहुत खा लिए कप्पू, अब ना किसी दिन चूना लगेगा, वो भी तुमको फ्रॉम भूरी. और जा दरवाजे की चटनी तरह से लगती नहीं है, चूना तू लगाएगी मेरे को. देखो जिस दिन दरवाजा बंद करने की नौबत आ गई ना छिटकिनी लग जाएगी अपने आप. जा बेटे कुंडी जैसा मुंह छिटकने की बातें नहीं करते. नवाज भाई गैंग ऑफ वासेपुर में आपने कितनी गोलियां चलाई हैं? एक आध कोई बची होगी हाथ से मारो. नहीं नहीं मुझे जो सीखना मैं सीख लूंगी. सर आपका एक डायलॉग है जो मेरा सबसे सबसे ज्यादा फेवरेट है. 15 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ और मौत को छूकर टक से वापस आ सकता हूँ. ये भी रोक लेती है 15 मिनट सांस. ये रियल में रोकती, सड़क पर ना सांस रोक के लेट जाती, फिर लोग जूस पी लाते हैं. और फिर रात को डिनर का टाइम आता है सेम मांगता है. चल अब दिखाना अपना टैलेंट तो दिखा, आई उनको मिलने आई तो. वो तो जब वक्त आएगा मैं टैलेंट दिखाई दूंगी, लेकिन पाजी किसी ने खूब कहा है क्या, खेल ताश का हो या जिंदगी का, वाह अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकले. क्या बात है यार, छा गई गुड़ी यार, क्या बात. सीधा बोल, तेरा पत्ता ही खेलने का मन कर रहा है, निकाल गड्डी निकाल. कप्पू ये बैठती है ऑटो वाले के साथ ऐसे, अच्छा यहाँ पे अच्छा भला आती है. हाय हाउ आर यू, ए निकालना तेरा बादशाह निकाल तेरा इक्का. ये मैं बताऊंगा सारी बातें. कप्पू क्या है, बाजार में सारे खिलौने बिक गए जब हमारे दिल से खेलने लगे हो? आज बड़ी टूटे दिल वाली बातें कर रही है तो क्या हो गया तेरे को? अब क्या कहूँ, किसी ने बिल्कुल सही कहा है. क्या? किसी के अंदर ज्यादा डूबोगे तो टूटना पड़ेगा, यकीन नहीं होता तो चाय में डूबे बिस्किट से पूछ लो. एक विशेष सूचना, एक बच्ची किसी शायर की किताब चोरी करके भागी है, जिसकी भी हो ले जाए. कप्पू भैया, कप्पू भैया, अरे कप्पू भैया, तो ये चूहे की मौसी यहाँ पर है क्या? बोली आपको पता है कप्पू भैया, ये वो मुकेश की शायरी की किताब लेकर भागी है ये. ए, मैं तो मुकेश को जानती भी नहीं हूँ. जानती भी नहीं. सारा दिन मुकेश के साथ चिल्लम फूक फूक के फैजल के कट्टे जैसा मुंह हो गया इसका. बात करती है क्यों फैजल, बताओ ना. कप्पू तुम अपनी बहन को समझाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. मुझसे बुरा क्यों, तेरे को अभी भी डाउट है तेरे पे? तेरे को मालूम है नवाज भाई तेरे से बड़ा कारतूस बंदूक में डाल के फोड़ते हैं ऐसा. बात कर रही है तो मैं ना भूल जाऊंगी तुम्हारी बहन है. अच्छा वैसे भी तू भूलती है, मेरे पे क्या को नाम डाल रही है यहाँ पे. ध्यान रखना, हट यहाँ से बाजू में. अगर मेरे कप्पू पे नजर डाली ना तूने तो मैं तेरे से 100 रुपया लूंगी. अपना तो भाई के पैसे लगी. अच्छा यहाँ पर आपके स्पॉन्सर पे स्पॉन्सर बढ़े जा रहे हैं दिन ब दिन, करोड़ों कमा रहे हो, 2 रुपया कमाऊं तो तकलीफ है आपको? बहुत अच्छा. क्या क्या देख रही है इधर? चूहे की मौसी. ए कुकुर मुट्ठी, चूहे की मौसी किसको बोलती है बे? ए जल कुकड़ी, ज्यादा बकवास नहीं कर. ए तू जल कुकड़ी. लपड़ झट्टी. ए लड़की रही है वो. नवाज भाई को टैलेंट दिखाना जो अपना अंदर दिखा रही थी टैलेंट मेरे को. क्या, वो जो किक में हंसी हंसी हंसते थे वो.
इसको ज्यादा मत सिखाइए, आपने तो स्टेशन पे जाके मैं पागल हो गई बोलेगी, सबसे पैसा मांगेगी, मैं जानती है इसको। चल चूहे की मौसी यहाँ चल, चल ले जाओ उसको। हाँ और चलवा लो। एक बार नवाज भाई और अमृता के लिए जोरदार ताली हो जाए प्लीज। भाई आइए अमृता, नवाज भाई, अमृता, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत मजा आया आप लोगों से बातें करके, आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि अच्छे दिन अब वाकई ही आएंगे क्योंकि कपिल शर्मा वापस आ गए हैं। थैंक यू अमृता, थैंक यू सो मच अमृता फॉर योर लव। और हमें पूरा यकीन है कि ये फिल्म जो है वो बहुत ही प्यार लेने वाली है दर्शकों का, बिकॉज लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। और थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो, ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। गुड नाइट, शुभ ख्याल।